तो राधे भाई जा रहे हैं नदी से पार। अब मुझे ये नहीं लग रहा पता कि जाएगा कैसे बंदा। भाई आराम से, ये सच में बहुत टफ है हो गया है। और ये कैसे कैसे आखिर कैसे बंदा आधे नदी पार चले गया है और बहुत पानी है भाई। बोला आमिर रुक, चलो मात में जोल यार। तो राधे भाई फाइनली हार मान चुके हैं और चप्पल चली गई है पार। अब वो चप्पल को जितना हो सके उतना भूलने की कोशिश करेंगे और बाकी देखते हैं। तो गाइस जी देखो है ऊपर से दबो जब से बोल रहा हूं। अब बाकी थोड़ी सी दूर आती है यहां ले जो आप। तो गाइस यहां रास्ता भी नहीं मिल रहा हमारे को, कुछ नहीं मिल रहा है। और ये देखो आप फाइनली रास्ता मिल चुका है पार। और चप्पल लगी पार मरेगी वार। देखो गाइस कहाँ कम से तू यहाँ पर कहाँ रह जाने यार। ये तो कहाँ है रजाड़ी भाई। तो यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से जाने का सोच रहे हैं हम। और ये बहुत टफ टास्क है भाई जिंदगी में। और ऊपर से नदी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो ऊपर पहाड़ जहाँ बादल लगे हैं वहाँ से स्टार्ट है तो पता नहीं। और इधर से भी चलो गाइज मिलता हूँ पार करने के बाद। अब मुझे भी डर लग रहा है। तो ठीक है गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक ले बाय बाय। तो गाइज फाइनली वहाँ से नदी से पार इधर आ गए हम। नदी हमने पार कर ली है ये देखो वहाँ से। और राधे भी चले गए आगे। और अब हम यहाँ से वापस आएंगे नहीं। और वहाँ से हम पानी भी भरेंगे अभी नीचे। और ये देखो गाइस अब यहाँ हमारे को रास्ता भी नहीं है जाने को। यहाँ से बड़ा टफ है कि नीचे ना गिर जाऊँ मैं यार। ये डूम बैठ से बाहर है वापसी में डूम तू मार लेना बाहर है नहीं आ रहा भाई। तो गाइस मैं करता हूँ थोड़ी देर ब्लॉग बंद। और ये देख लो आप लास्ट का नज़ारा गांव का, ये चीज़ें। और बारिश का मौसम बना है अभी, रास्ता है नहीं यहाँ से जाने के लिए। बहुत टफ लाइफ है भाई ला पहाड़ों में। तभी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जब से पलायन वगैरह हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया है लोगों के लिए। ये देखो कैसे जाए यहाँ से, जाए तो जाए कैसे। चलो गाइज मैं करता हूँ ब्लॉग बंद। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। एक मंदिर यहाँ पे, ये अपने क्या बोलते हैं बिनसर महादेव मंदिर, एक इधर है और एक यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने करना है ये रख दिया हमने सामान, छतरी छुतरी यहाँ रख देंगे हम। पानी के लिए एक वो भी लाए थे। और ये देखो गाइस ये है मंदिर। और यहाँ पे करेंगे हम अब, यहाँ पे होगी पूजा। और यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो गया, कभी कुछ और होता था जब मैं आया था लास्ट बार पहले। और ये दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर। और इस मंदिर पे हमने करना है सफाई। जय हो घंटी भी बजा देते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे घंटी, यह है बिनसर महादेव के मंदिर। और यहाँ देखो, ये देखो गांव, एक छोटा सा गांव इधर पार को। ये भी दूसरा गांव हमारे गांव में ही जुड़ा है। और अभी पता नहीं, देखते हैं कोई अगर आएगा तो, नहीं तो मुश्किल लग रहा। पानी नदी देखो, नदी के किनारे ही है सब कुछ। राधे भाई का ब्लॉग हो गया ख़त्म। और करते हैं अब गाइस थोड़ी सफाई, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको एक चीज़ ऐसी
पहाड़ों की नेचुरल दिखाऊंगा, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी बड़ा जानवर है, पर है छोटा और काम बड़े बड़े करता है, और मुझे दर्द भी हो रहा, खा रहा मुझे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये चीज़ देखो, ये चीज़ ये खा रहा है, ब्लड खा रहा है मेरा अभी, और मैं इसको अब निकालने की कोशिश करूँगा, और निकलेगा नहीं ये, और इसको कैसे निकालूँ मैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस ये देखो, ये यहाँ पे खा रहा है मेरे को, ये चीज़ देखो यहाँ पे खा रहा है मुझे ये। गाइस निकाल दिया मैंने, अभी अभी ब्लड आएगा यहाँ पे, अभी हालों में लगा था मेरे ख्याल से, पानी में लगा था ये, और देख लेता हूँ पाँव में कहीं है नहीं वैसे। तो गाइस कर लेते हैं हम थोड़ा काम, तो तब तक के लिए। तो फाइनली गाइस देख लो मंदिर, हमने लगा दिया चूना यहाँ पे, पेंट वगैरह सारा कुछ क्लियर करके, ये देख लो, और लग रहा है ना ऐसा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने इस पर पेंट किया हुआ। ये देखो गाइस बहुत अच्छा बना दिया हमने अभी। ये देखो गाइस अभी यहाँ एक दो त्रिशूल वगैरह है, कल बाकी कल यहाँ पे सारा कुछ पूजा होगा। और ये देखो गाइस, देख लो आप, चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं इसको आपको, ये देखो गाइस, और ये देखो पहाड़ों का मौसम, ये देखो अभी देखो कैसी बारिश लगी थी सुबह के टाइम कैसी बारिश लगी थी, और इस टाइम पे देख लो कोई बारिश का नाम नहीं है, और यहाँ देखो पसीने से पूरा पसीना पसीना आ गया मुझे, देखो गाइस। और फाइनली यहाँ का काम हो गया पूरा, लग भी रहा है बहुत अच्छा। और ये देखो मौसम, देखो अभी मौसम भी खुल चुका है वहाँ से, और मेरे को नहीं लग रहा कि बारिश होएगी, और ऊपर देखो पहाड़, पहाड़ी पहाड़ हैं। और भाई अब हमारे को यहाँ ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम से निकलना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर और है वहाँ पे भी हो जाए, उसके बाद टाइम से हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं हम सीधे आपको उस मंदिर में, तब तक के लिए। फाइनली हो गया काम फ्री, और अभी हम यहाँ रेस्ट फरमा रहे हैं, ये देख सकते हो हमारे राधे भाई क्या बोल रहे हैं ऐसा हो गया, हालत ख़राब हो गई उस नदी को देख के भाई, वो नदी जो था ना, जो भी था, वो बहुत भयंकर नदी थी लाइफ में, ऐसी नदी नहीं किया है पहले, बहुत पार किया है पर अब एक टाइम में किया है, पर आज के टाइम में तो यहाँ से भी देखो पेड़ पहुँच गए, ये देखो यहाँ पे स्कूल था हमारा एक टाइम पे, यहाँ पे जैसे इधर प्रारंभिक तो 5 तक का हमने यहाँ पे पढ़ा, और उसके बाद हमने वहाँ भी पढ़ा, वहाँ घर दिख रहा है पेड़ों के बीच में, उधर देखो यहाँ पे भी पढ़ा मैंने, पब्लिक स्कूल होता था यहाँ पे, और इधर आगे जाके कधरे में है वहाँ पे भी पढ़ा है। और ये देखो ऊपर को पहाड़, बारिश का मौसम हो रहा है अभी फिर से, ऊपर से मेरे को लग रहा है कि बारिश हो सकती है अभी शाम तक। और ये देखो यहाँ से बहुत बढ़िया आजकल बरसात का मौसम। तो गाइस हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।